हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.13 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कर रहे? ए पीस ऑफ क्लोथ्स कॉस्ट 35 रुपीज। इफ द पीस वेयर 4 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर कॉस्ट 1 रुपीज लेस, द कॉस्ट वुड रिमेन्स अनचेंज। हाउ लॉन्ग इज द पीस? थोड़ा क्वेश्चन को समझिए। क्या कर रहा है कि क्लॉथ का एक पीस है जिसका कॉस्ट है 35 रुपीज। ये हमें नहीं पता है कि वह कितना मीटर का पीस है, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। बस उसका कॉस्ट दिया है 35 रुपीज। क्या कह रहा है कि इफ द पीस वेयर 4 मीटर लॉन्गर, अगर पीस जो था वो 4 मीटर लॉन्गर हो जाए तो हर एक मीटर पर उसका कॉस्ट 1 रुपीज लेस हो जाएगा, तो उसके उसके जो कॉस्ट था 35 रुपीज उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पीस का लेंथ क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर कि लेट द लेंथ ऑफ द पीस, लेंथ ऑफ द पीस बी एक्स मीटर, तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, 1 मीटर का क्लॉथ का कॉस्ट क्या हो जाएगा? तो x मीटर का 35 रुपीज है, तो 1 मीटर का 35/x रुपीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अच्छा न्यू लेंथ क्या हो जा रहा है? 4 मीटर लॉन्गर हो जाएगा ना। न्यू लेंथ ऑफ पीस क्या हो जाएगा? x+4 मीटर, ठीक है, x+4 मीटर। तो नया रेट क्या हो जाएगा? न्यू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा 35 और बाई में x+4 रुपीज, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब जब हम लोग कॉस्ट में 1 रुपीज लेस कर दें, यानी कि ये इससे 1 रुपीज लेस होगा, है ना जी। तो 35/x, ये 1 मीटर ऑफ क्लॉथ का कॉस्ट है और ये भी 1 मीटर ऑफ क्लॉथ का कॉस्ट है, तो कितना इन दोनों का डिफरेंस होगा? तो 1 रुपीज का डिफरेंस होगा। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रहा है, 1 रुपीज लेस हो जा रहा है, तो कोई चेंज नहीं होता है। चलिए देखते हैं इसके बाद, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। एक्स इंटू में एक्स प्लस का 4, इसमें से डिवाइड करके एक्स कट जाएगा, ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा। 35 इंटू में एक्स प्लस 4 माइनस, इसमें से डिवाइड करके कट जाएगा, ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा। 35x=1, तो यहाँ हो जाएगा 35x और प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? तो यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ पर 140, ठीक है, और माइनस का 35x और बाई में x²+4x=1। यहाँ इससे हम लोग ये काट सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, ये जाकर उसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो x²+4x=140। इसको इधर लेके चले आएंगे, x²+4x−140=0। यहाँ फैक्टर करते हैं, x² यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ हो जाएगा प्लस का 14x−10x−140=0, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अब x कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x+14 − 10 कॉमन करेंगे तो x+14, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। x+14 को यहाँ कॉमन कर लेते हैं x, और यहाँ −10=0। अलग अलग कर दो, यहाँ से अलग अलग करोगे तो x+14=0 और यहाँ x−10=0, यहाँ x का वैल्यू माइनस का 14 आ जाएगा और यहाँ x का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि लेंथ जो होता है निगेटिव नहीं हुआ, लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता है, तो हेंस द लेंथ ऑफ द पीस ऑफ क्लॉथ क्या हो जाएगा? वह 10 मीटर हो जाएगा। एक्स 10 है ना जी, तो 10 मीटर क्लॉथ का लेंथ हो जाएगा।